नमस्ते किसान भाइयों, आप लोगों में ज़्यादातर किसान अभी अपनी गेहूं की बुआई कर चुके होंगे। जो समय से बुआई किए होंगे उनकी फसल अभी 20 से 25 दिनों की होने वाली होगी। तो जिनकी फसल 20 से 25 दिनों की हो गई होगी, एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था आती है इस स्टेज में, जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन या मुख्य जड़ विकसित होने की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में हमें इरिगेशन देना होता है। तो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने खेतों में इरिगेशन लगा लें। इसके 10 से 15 दिनों के बाद, जब हमारी क्रॉप 30 से 35 दिनों की होती है, तो खरपतवार निरोधी दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में खरपतवार होगा तो आपके यील्ड का लॉस होगा। इसके लिए मेट सल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान नाम की दवा आती है, जो 16 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान ऐसे होंगे जिनकी बुआई अभी तक नहीं हो पाई है, जिनकी बुआई देर से होगी। ऐसा अक्सर रहा होता है जब हमारी गन्ना की कटाई नहीं हो पाती है, या फिर कपास के बाद हमें गेहूं लेना होता है, या कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आलू के बाद हम गेहूं लगाना चाहते हैं। तो ऐसी देर से बुआई वाली किस्मों का चुनाव हमें कुछ ट्रेट्स के बेसिस पे करना चाहिए, कि जैसे कि वो जल्दी पकने वाले होने चाहिए, करीबन 120 से 25 दिनों में पककर तैयार हो जाए। दाना भरने की अवस्था में उनमें ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उनके दाना में अच्छा भराव हो। और ऐसा देखा गया है कि लेट सोन कंडीशन में रस्ट, जो पर्ण रतुआ लीफ रस्ट, और पीला रतुआ जो येलो रस्ट होता है, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ऐसी किस्मों में इनके प्रति प्रतिरोधकता होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ किस्मों का विकास किया है जो देर से बुआई के लिए अपेक्षित है। इन किस्मों में पहला किस्म है HD 3059, जिसे पूसा पछेती भी कहते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए विमोचित है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में इस किस्म को लगाया जा सकता है। ये किस्म रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता दिखाती है, जिससे किसान अपना रस्ट के लिए जो स्प्रे करते हैं केमिकल का, उसका बचाव कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत जो होगी वो कम होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। इस किस्म का जो उपज है, उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल है, और अच्छे से देखभाल करने पर यह 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज ले सकते हैं किसान भाई। इसी तरह एक और किस्म है हमारी HD 3118, जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए विमोचित है। इसकी भी उपज क्षमता बहुत अच्छी है, किसान भाई 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं, और इसमें भी रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता है। कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनकी बुआई बहुत देर से होगी, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में भी गेहूं की बुआई करना चाहेंगे। इस तरह की अवस्था के लिए भी हमारे संस्थान ने कुछ किस्मों का विकास किया है, जिसमें HD 3271, HD 3298 और HI 1621 है। इन किस्मों का भी उपज बहुत अच्छा है, और किसान भाई देर से लेकर और बहुत देर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, और इसकी उपज भी अच्छी है। 40 से 50 क्विंटल के आसपास इसकी उपज क्षमता है। इसमें रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता है, जो लेट सोन कंडीशन में आपको क्रॉप रस्ट से कम्प्लीटली फ्री रहेगी। इन किस्मों में मैं 3298 के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बायो फोर्टिफाइड वेराइटी है, जिसमें कि आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, तो किसान भाई इससे अच्छी गुणवत्ता की गेहूँ उत्पादन कर सकते हैं। साथ साथ कुछ पुरानी किस्में हैं जिनके मांग अभी भी किसान भाई कुछ क्षेत्रों से करते हैं, जिसमें HD 2851 और HWR 544 है। इन दोनों किस्मों की भी डिमांड किसान भाई करते हैं, तो इन किस्मों को भी आप कुछ क्षेत्रों में लगा सकते हैं। साथ साथ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम देर से या बहुत देर से बुआई करते हैं गेहूं की, तो इसकी बीज दर ज़्यादा होती है, तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए।